ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लिंक टूटनी चाहिए या फिर कुछ हमारे पढ़ाई पे इसका ज़्यादा असर पड़े, क्योंकि अगर 15 दिन हम लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है तो ये बेसिकली हमको 1 महीना पीछे लेके जाएगा, और 1 महीना पीछे जाना मतलब हमारे सिलेबस पे उसका जो असर दिखेगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट असर रहेगा। इसलिए हमारा इंटेंसिटी और डेडिकेशन कम नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल की तरफ रहना चाहिए। ये जो कुछ भी आपके अराउंड चीज़ें हो रही है इससे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, हमने बस अपने घर में बंद रहना है और पूरा ये जो कुछ भी 15-14 डेज रहेंगे तो इन दिनों में हम जो जो वीकनेसेस मैंने आपको बताई है कि जैसे कोई भी बच्चा मेरे हिसाब से पूरा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो ये जो 14-15 डेज हो गए कैसे अपन अपने अंदर से अपना बेस्ट निकाले उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए आपका। एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट में हमको लिंक एस्टेब्लिश करनी है और वो लिंक पकड़ के जितना डीप आप जा सकते हो उतना डीप अपने जाना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अभी स्ट्रेट लाइंस की। तो ये चीज आपने बोलनी थी जो मैंने अभी आपको बताई, तो अभी बात करेंगे अपन स्ट्रेट लाइंस की, जो अपना सिलेबस अभी चल रहा था। तो स्ट्रेट लाइंस में अभी तक हम लोगों ने देखा है एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, जो कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड से कैरी फॉरवर्ड था। सेक्शन फॉर्मूला में यहां नया क्या देखा अपन ने, तो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, राइट। और उन्हीं दो को बोलते हैं हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। इसके बाद ही अपन लोगों ने फिर डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो भी 10वीं से कैरी फॉरवर्ड है। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा एक ट्रायंगल के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, इनके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने डिराइव करे और फिर कुछ क्वेश्चंस करे हम लोगों ने। और इसके बाद से हम लोग फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे आए, कुछ डेफिनेशंस देखी, कुछ इक्वेशंस देखी, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने एंगल बिटवीन लाइंस देखा। tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। इसमें mod क्यों लेते हैं, क्यों acute angle ही हम लोग consider करते हैं, triangle के interior angles कैसे calculate करने, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। इसके बाद में किसी लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट गिवन है, ये देखा। इसके बाद में हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखा, जब 4 लाइंस गिवन रहती है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस निकालना देखा। ये सारी चीजें हम लोग अभी तक देख चुके हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा क्लास की फील में आता है ना, किसी को भाई ऐसा फील नहीं होना चाहिए यार क्लासेस बंद है। भाई क्लासेस बिल्कुल बंद नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है ना, ये अब अभी क्लास में एकदम बढ़िया से बैठना है, सोना होना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पे है तो इसका मतलब भाई साहब जो है वो फुल लेट गया है ना, और आज तो अक्षय सर का लेक्चर जो है वो फुल आनंद लेके देखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक डिसिप्लिन में बढ़िया से अपना टेबल पे एक पढ़ाई के टेम्पो में पढ़ाई के रिदम में ये लेक्चर देखे। और ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये चैप्टर वैसे तो है बड़ा आसान स्ट्रेट लाइन, इसमें अगर टॉप क्वेश्चन बनाना हो तो सिर्फ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा फॉर्म है जिसपे एकदम बढ़िया 250 क्वेश्चन बन सकता है। और अब वैसे तो वो 250 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है, लेकिन बच्चों को वो क्वेश्चन पता नहीं, उनको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक अजीब सा रिपल्शन होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक अजीब सा रिपल्शन होता है जिसकी वजह से
उनको क्वेश्चंस टफ लगते हैं, तो अगर अपन पढ़ते वक्त ही पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रीटलिंग बड़ी सही से अगर अपन उस कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करते हैं तो मेरे को लगता है बिल्कुल भी टफ है ये, एकदम आसान फॉर्म है यार, है ना। ये बस मतलब डे टू डे लाइफ में अगर बात करा जाए तो किसी पॉइंट से किसी ने बोला कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाओ, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाओ, ठीक है, तो कुछ ऐसी बात है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाओ, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाओ, इस डायरेक्शन में इतना जाओ, उस डायरेक्शन में इतना जाओ। वैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मुझे किसी ने कहा कि भैया आप खड़े हो x1, y1 पॉइंट पे, आप खड़े हो x1, y1 इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट से आपको जाना है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। भैया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्लोप से। स्लोप हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन का सेंस देता है, राइट। तो मैंने आपको बोला कि कुछ 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर आप 5 यूनिट्स ट्रेवल करो या कुछ r यूनिट्स ट्रेवल करो। मैंने क्या बोला आपको, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे आप r यूनिट्स ट्रेवल करो, तो आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन पता है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है भैया, वो एंगल जो एक लाइन बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, राइट। तो 30 डिग्री आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से r यूनिट्स ट्रेवल करना, लेट्स से r यूनिट्स ट्रेवल करे, उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, ये सोच रहे हो। तो चलो मान लेते जो पॉइंट आता है r यूनिट ट्रेवल करने के बाद, और कितना लेट्स से 30 डिग्री एंगल से ट्रेवल कर रहे अपन, राइट। इसको मान लेते x, y ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी अपन एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बता सकते हैं ये x के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, x1 y1 गिवन है, तो ये x एंड y के कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे लिखेंगे, तो ये x का डिस्टेंस कितना हो, ये पूरा डिस्टेंस x होना चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस हमारा x होना चाहिए, तो ये x को क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा x1, और ये वाला डिस्टेंस भैया कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लो जरा, है ना। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये r है, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos 30, राइट। तो ये हो गया भाई r cos 30 डिग्री, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, राइट, ये 30 डिग्री, तो ये होना चाहिए r sin 30 डिग्री। अब देयरफॉर ये टोटल x कितना हुआ, दिस x1 प्लस r cos 30 डिग्री, है ना, तो दिस इज x1 प्लस r cos 30 डिग्री, राइट। सो देयरफॉर दिस स्मॉल x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos 30 डिग्री। बात क्लियर समझ में आ रही है, घर पे हां बोलना, लोगों को लगना चाहिए पगला गया, अकेले में बातें कर रहा हूं, ठीक है, चल और यहां पे y इज इक्वल टू यहां पे y1 प्लस r sin 30 डिग्री, है ना। तो देयरफॉर ये मतलब हमारा टोटल y लेंथ ये हुआ, तो ये टोटल y लेंथ इज इक्वल टू दिस y1 प्लस r sin 30 डिग्री, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin 30 डिग्री, ओके गुड। अब यहां मैंने 30 डिग्री कोई फिक्स एंगल लिया, अगर मैं जनरलाइज लेता हूं, इसको मान लो मैं थीटा बोलता हूं, इसको यदि मान लो मैं थीटा बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो यहां भी मेरा थीटा ही आएगा, बदलेगा कुछ ना, यहां भी थीटा आएगा, बदलेगा कुछ ना, राइट। अब इससे हुआ क्या, मुझे कोई एक पॉइंट गिवन था x1, y1, थीटा एंगल पे कुछ r यूनिट्स ट्रेवल करने के बाद कौन सा पॉइंट आता है वो मिला, मान लो मैं थीटा को फिक्स रखता हूं और r को चेंज करते जा रहा हूं, तो भैया सारे पॉइंट्स कवर हो गए इस लाइन पे के,
हाँ कहना भैया, इसमें देखिए सारे पॉइंट्स कवर होंगे कि नहीं होंगे। अगर मैं थीटा को कर दूं फिक्स और ये आर को कर दूं वेरिएबल, तो देखो आर कुछ एक वैल्यू पे ये पॉइंट कवर हो रहा है, थोड़ी कम कर दी तो ये हो गया, थोड़ी और कम कर दी तो शायद ये हो, थोड़ी और कम कर दी तो शायद ये हो, थोड़ी और कम कर दी तो शायद ये हो, थोड़ी और कम करने पे ये हो जाए, जीरो होने पे एग्जैक्ट ये पॉइंट रहेगा, नेगेटिव करने पे इधर वाली साइड कवर हो जाएगी, ऐसा करते करते पूरा माइनस इनफिनिटी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते प्लस इनफिनिटी कर रहा तो इधर वाली पूरी लाइन कवर हो रही है, और आर की वैल्यू कम करते 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 माइनस इनफिनिटी कर रहा तो इधर वाली पूरी लाइन कवर हो रही है। सो देयरफॉर मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि यार यहां पे एक्स वन थीटा अगर ये दोनों फिक्स्ड है और यहां पे भी वाई वन और थीटा ये भी दोनों ये सारी चीजें अगर फिक्स्ड है ना, ये सारी चीजें अगर फिक्स्ड है और आर जो है ये आर वेरिएबल है, ये दोनों आर यहां पे वेरिएबल का काम कर रहे हैं है ना, ये दोनों आर यहां पे अगर वेरिएबल का काम कर रहे हैं, x1 y1 फिक्स्ड है, दोनों एंगल थीटा फिक्स्ड है और ये दोनों आर अगर वेरिएबल का काम कर रहे हैं, तो ये पूरी इक्वेशन जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जैसे जैसे ये वेरिएबल यहां पे आर चेंज करते जाऊंगा, जैसे जैसे वेरिएबल आर चेंज करते जाऊंगा उससे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और ये लाइन देखिए सारे पॉइंट्स कवर करता जाएगा, उस लाइन जैसे जैसे आर चेंज होगा लाइन देखिए सारे पॉइंट्स कवर होते जाएंगे। तो हर एक यूनिक वैल्यू ऑफ आर के लिए एक यूनिक पॉइंट दिखेगा मुझे, हर एक यूनिक वैल्यू ऑफ आर के लिए मुझे एक यूनिक पॉइंट दिखेगा, राइट। इस इक्वेशन को ना अभी तो थोड़ा गंदा हो गया, तो इस इक्वेशन में थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं, तो ये x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r, है ना, x माइनस x1 अपॉन इस देखो ये इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन cos थीटा y माइनस y1 अपॉन sin थीटा बोथ आर इक्वल टू r, राइट। सो दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों बोला गया, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, शायद हम लोगों ने इसके बारे में क्लास में डिस्कशन किया है कि पैरामीटर क्या होता है, किसको कहते हैं पैरामीटर, आपको याद होगा मैंने आपको बताया पैरामीटर मतलब कोई जब दो क्वांटिटी में डायरेक्ट आपस में रिलेशन ना लगाते हुए इस क्वांटिटी का किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन जोड़ा जाए और उस क्वांटिटी का भी सेम थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन जोड़ा जाए तो उस थर्ड पार्टी को बोलते हैं अपन पैरामीटर। मान लो मेरी डाइट है चार रोटी और भैया अब्दुल बाजू और अब्दुल की डाइट है आठ रोटी, हो सकती है भाई अब्दुल खूब खाता है, पचा लेता है अब्दुल, स्ट्रांग बनता है, तो अब भैया हमें शर्म आ गई कि एग्जैक्टली कितनी रोटी हम खाते हैं ये पता नहीं, या फिर किसी भी कारणवश हम बताना नहीं चाहते कि हम एग्जैक्टली कितनी रोटियां खाते हैं, तो हमने चूज कर लिया कोई एक और बंदा साकेत, और साकेत का डाइट है छह रोटी, तो मैं बोलूंगा मेरा डाइट है साकेत का डाइट माइनस टू, और अब्दुल बोलेगा भाई साहब मेरा डाइट है साकेत का डाइट प्लस टू। तो देखो दोनों ने आपस में रिलेशन नहीं जोड़ा, ना ही दोनों ने एग्जैक्ट अपना डाटा बताया, मैं अब्दुल से चार कम खाता हूं ये नहीं बोला, ना अब्दुल ने बोला कि वो मुझसे चार ज्यादा खाता है, हम दोनों ने अपना डाइट साकेत के फॉर्म में बताया, साकेत की डाइट के फॉर्म में बताया, तो यहां पे साकेत हो गया पैरामीटर,
जब कभी भी दो पार्टी डायरेक्टली आपस में रिलेशन ना बदल रहे, थर्ड पार्टी के साथ में अपना रिलेशन जोड़ दिए, तो हम उसको सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में पैरामेट्रिक वे में रिप्रेजेंट किया ऐसा होता है। तो ध्यान दो यहां पे x1 और थीटा तो है फिक्स्ड, तो x ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ r, x ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ r, y ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ r, तो ये r क्या है पैरामीटर। वरना भैया अभी तक जितने फॉर्म अपने स्ट्रेट लाइन के देखे उन फॉर्म में x और y में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे कि 2x plus 3y is equal to 4, x और y में डायरेक्ट रिलेशन है। इसको अगर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूं, लेट्स से x is equal to t, लेट्स से x is equal to t और y is equal to, अगर x की वैल्यू t रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 minus 2t by 3, y की वैल्यू हो जाएगी 4 minus 2t by 3। यहां मैंने एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये पैरामीटर का नाम कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि दुनिया में एक लाइन के लिए केवल एक ही पैरामीट्रिक फॉर्म एग्जिस्ट करता हो, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी पैरामीटर चुन सकता है। कोई बंदा आके k प्लस 3 x को लिख सकता है, k प्लस 3 ये पैरामीटर बोल सकता है, उसके लिए अलग पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। बट हम जो ये सिलेबस में ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, इससे ना हमें बढ़िया सी फील एस्टेब्लिश होती है कि ये ट्रिग्नोमेट्री ही है, इन अ वे ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो एक बढ़िया सी फील दिला रहा है कि x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta। तो यहां पे r पैरामीटर, क्योंकि थीटा का स्लोप है वो तो फिक्स रख रहा है लाइन का, थीटा जो स्लोप है लाइन का वो तो मैं फिक्स रख रहा है, तो ऑलरेडी ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे इसका मैं एक हर कोई एग्जांपल देके समझाता हूं। अब आप लोग यहां पे वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन और जितना हमने बोर्ड पे लिखा इसके आप लोग नोट्स बनाए। ऐसा नहीं कि भैया वीडियो है तो मतलब वीडियो तो हमारे पास रह गए तो कोई भी देख सकते हैं, नोट्स बनाने की क्या जरूरत, ऐसी फालतू बातें बिल्कुल नहीं सोचनी। ये बढ़िया से खुद से लिखो अपनी समझ के, उस फील के साथ में देखो, फील ही इंपॉर्टेंट है। फील मिस हो गई तो भैया बच जाएगा सिर्फ कचरा, और कचरा सिर्फ डस्टबिन में जाता है, उसका कुछ नहीं होता। तो फील आना बड़ी जरूरी है। ओके, नोट डाउन कर।